व्यापारियों के पदाधिकारियों के साथ क्लॉक टावर थाने में बाजार खुलने को लेकर हुई वार्ता। मंगलवार को कर्फ्यू क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाने के आदेश आने के बाद व्यापारियों को बाजार खोलने की अनुमति दी गई। वहीं बाजार खोलने को लेकर क्या नियम लागू किए गए हैं, उन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए क्लॉक टावर थाने में दक्षिण उपदेशक विजय सांखला और क्लॉक टावर थाना प्रभारी सूर्यभान सिंह द्वारा व्यापारियों के पदाधिकारियों के साथ वार्ता की गई और बाजार खोलने को लेकर क्या रूटीन और क्या नियम लागू किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी गई। इस लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो उसके बारे में भी सभी को बताया गया। वहीं वार्ता के बाद व्यापारियों ने बताया कि वह सभी नियम मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो ऑड इवन करके जो दुकानें खुलेंगी उसको लेकर वह संतुष्ट नहीं है और इसी को लेकर वह सभी व्यापारी जिला कलेक्टर से वार्ता करेंगे। किस तरह की वार्ता रही, कहां से वार्ता? मैं रमेश चंद जैन, केसरगंज व्यापारी संघ अध्यक्ष। अभी सीआई साहब से हमारी मीटिंग हुई, हम लोग थे, मार्केट के दूसरे एसोसिएशन के भी अध्यक्ष वगैरह बैठे हुए थे। सीआई साहब का ये कहना था कि हमारे को पास जो ऊपर से आदेश आए हैं हम उनकी पालना ही कराएंगे और इन मन लागू करेंगे। हमने कहा साहब ये सही नहीं है, मार्केट और कवाड़ी मार्केट और दूसरे मार्केट पूरे के पूरे खुले हुए हैं, वहाँ और इन बन नहीं है, इसलिए हमारी समस्या का इसका भी निदान करें। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता, अगर आपको अपनी समस्याएं निदान कराना है तो आप प्लीज़ कलेक्टर साहब के पास जाएं, एडीएम सिटी के पास जाएं, वहाँ से जो भी ऑर्डर आएंगे हम उनको पालना कराएंगे। हमने उनसे निवेदन करा कि हमारा व्यापारी संघ का एक एक दुकानदार आपके प्रशासन के जो भी नियम कानून होंगे प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करेगा, पूरे नियम कानून मानेंगे, लिखित में भी आपको देंगे, लेकिन ऑड इन वन से हमारे व्यापारी अभी सहमत नहीं है। तो उन्होंने कहा प्लीज़ आप जिलाधीश महोदय के पास जाइए, वहाँ से जो भी आदेश आएंगे करेंगे। मैं रमेश चंद्र अध्यक्ष के सरगंज साहब जाएंगे, कलेक्टर कलेक्टर साहब के जा रहे हैं हम सीधे एडीएम सिटी और कलेक्टर साहब के मिलने जा रहे हैं। वहाँ से जो भी मैसेज हमें मिलेगा साहब को बता देंगे और उसकी पालना करेंगे और व्यापारियों को भी वही बताएंगे हम। ठीक साहब, धन्यवाद जी। सर आप व्यापारियों के साथ वार्ता थी, किस तरीके की वार्ता थी और कितने संतुष्ट हैं और क्या आपने समझे? कल जो शाम को रात में कर्फ्यू केसरगंज कवंडसपुरा पड़ाव क्षेत्र इत्यादि से जो कर्फ्यू क्षेत्र कम करने की बात आई थी, जो ऑर्डर आया कि यहाँ से कर्फ्यू हटाया जाएगा, उसके बाद व्यापारियों से जो दुकानें खुलवानी थी इनकी व्यापारी उसके संबंध में इनसे बातचीत करनी थी कि किस तरह की इनको व्यवस्था बनाए रखनी है, इसके बारे में इनको ब्रीफ किया गया है कि आपको रोटेशन से दुकान खोलनी, जो कि उसमें आदेश में ही लिखा हुआ था कि दुकानें रोटेशन से खुलेंगी, क्योंकि एक बहुत ही डेंस मार्केट है तो यहाँ भीड़ हो जाती है, इसलिए अल्टरनेट दुकानें खोलने के लिए इनको बोला गया है। मार्केट एसोसिएशंस जो जो थे उन सब से ये अनुरोध किया गया है कि आदेश की पालना में आप जो भी आदेश आया है उसमें लिखा है कि रोटेशन के हिसाब से आप दुकानें खोलेंगे तो आप रोटेशन से दुकानें खोलिए, साथ ही साथ लॉकडाउन के नियमों की पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, दुकान का सामान जो है बाहर नहीं रखेंगे। ये सभी जो भी आदेश में जो कर्फ्यू हटाने के आदेश में जो नियम थे, साथ ही साथ लॉकडाउन 4 के जो नियम हैं उनके बारे में इनको समझाया गया, उनके बारे में ब्रीफ किया गया है। रोटेशन को लेकर सर आपने क्या रहे? ये जो थे व्यापारी एसोसिएशन जो थे वो उनके पदाधिकारी थे, तो ये लोग अपने व्यापारी एसोसिएशन में रेस्पेक्टिव एसोसिएशन में बात करेंगे, उसके बाद ही उनको समझाएंगे। सर कौन कौन सा क्षेत्र बोला? क्षेत्र का ऑर्डर आपने पढ़ी लिया होगा, जहाँ तक केसरगंज कवंडसपुरा पड़ाव ये जो मार्केट एरिया है ये खुला है। ठेलों को लेकर अभी तक मेरे पास कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, परंतु आदेश में जो लिखा है कि ठेले के लिए जो भी वेंडिंग जोन है उसके रिगार्डिंग जो भी परमिटेड वेंडर्स हैं, जो भी परमिटेड ठेले वाले हैं, उनको नगर निगम प्रत्यक्ष से उनकी सूची बनाएंगे, उनके बारे में जो आदेश में जैसा कि लिखा हुआ है तो उसकी भी एक्सरसाइज की जा रही है।